फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अनविश। इस वीडियो में आप मेरे साथ सफर करने जा रहे हैं बैंगलोर टू भुवनेश्वर बाय फ्लाइट, और आप लोगों को न्यू बैंगलोर टर्मिनल 2 एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कराऊंगा इस वीडियो में, और मेरा कुछ फीडबैक भी शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल सके। जैसे कि आपको पता होगा, बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट का डिस्टेंस अप्रोक्स 40 किलोमीटर है, तो आपको बस टैक्सी लेके पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। मेरा खुद की बात करूं, मैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बस का इस्तेमाल करता हूं। बस आपको फ्रिक्वेंटली सिटी से मिल जाएगा। जो आप देख रहे हैं, ये स्पाइस गार्डन मुनिकुलाल बस स्टॉप है, एंड टाइम अप्रोक्स सुबह का 7 AM हुआ है। बस का सफ़र पहले शुरू हुआ एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। BMTC बस काफ़ी कंफर्टेबल होता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इवन दो आपके पास लगेज है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बस का कॉस्ट 271 होता है। हम दो लोग ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो मुझे 570 चार्ज किया गया, जो कि टिकट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी एयरपोर्ट मुझे 1 आवर लगा पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सुबह का टाइम था, सो ट्रैफिक इतना नहीं था। अगर आप आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम पे जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो कोशिश करें थोड़ा जल्दी निकलने के लिए, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो टाइम लग सकता है आपको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। अभी टाइम हुआ है अप्रॉक्स 8:30 AM सुबह का, एंड हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बस से हम अभी उतर चुके हैं, एंड एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट बस स्टॉप से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 काफ़ी नज़दीक पड़ता है, अप्रॉक्स 50 मीटर्स होगा। अभी हम हमारा लगेज लेके एयरपोर्ट टर्मिनल 1 गेट की तरफ निकल चुके हैं। अगर दोस्तों आप टर्मिनल 1 एयरपोर्ट से जर्नी कर रहे हैं, तो आपको पहले डिपार्चर गेट के पास जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे उनको आपके आईडी देखना पड़ेगा, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद बोर्डिंग या टिकट कंफर्मेशन दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 2 से जाने वाला था, तो वहाँ से मुझे ऑफिसर्स टर्मिनल 2 जाने के लिए कहे। टर्मिनल 2 वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे ही एक बस देखने को मिल जाएगा, डिपार्चर गेट के सामने ही। अगर आप किसी को पूछ लेंगे, वो भी आपको बता सकते हैं। एक व्हाइट कलर का बस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 10-15 मिनट में एक बार जाना आना लगा रहता है उनका, तो आप वो सर्विस ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपको 5 मिनट्स में टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे पहुंचा देगा। टर्मिनल 2 आपको रोड पे भी साइन देखने को मिल जाएगा, हालांकि वॉकेबल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो आप वो बस का इस्तेमाल करें टर्मिनल 2 पहुंचने के लिए। बस से उतरने के बाद टर्मिनल 2 का नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी। अगर आप टर्मिनल 2 पे लैंड करते हैं, तो सेम आपको टर्मिनल 1 जाना पड़ेगा, सेम बस का इस्तेमाल करके आपको वही बस देखने को मिल जाएगा ऑन अराइवल। टर्मिनल 2 एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है एंड क्लीन मुझे नज़र आया। आपको फर्स्ट फ्लोर पहले जाना पड़ेगा एलिवेटर यूज़ करके या लिफ्ट का इस्तेमाल करके। अंदर जाते ही आपको नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सच कहूँ तो आर्किटेक्ट एंड डिटेलिंग वर्क काफ़ी पसंद आया मुझे, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया गया है एयरपोर्ट पे, एंड जो वुड कलरिंग के साथ वुड डिज़ाइन किया गया है वो भी काफ़ी सुंदर दिखता है। आपको अंदर आपके बुक्ड फ्लाइट के हिसाब से उनका काउंटर के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा टर्मिनल 2 का फर्स्ट विजिट था, सो मैं वीडियो पे फोकस किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे सकूं एंड ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स दिखा पाऊं। इनसाइड एयरपोर्ट आपको शॉप्स भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो कॉफ़ी टी स्नैक्स भी कर सकते हैं। काउंटर के पास जाने से पहले मैं टैग मशीन यूज़ करके पहला मेरा
लॉगर्स का जो टैग है वो निकाला। आप चाहें तो खुद से निकाल सकते हैं या फिर काउंटर के पास डायरेक्टली जाके उनको बोल सकते हैं, वो भी खुद से निकल सकते हैं। टर्मिनल वन पे दोस्तों ज़्यादा भीड़ के हिसाब से वहाँ पे आपको निकालना पड़ता है पहले, उसके बाद दोस्तों आपको काउंटर के पास जाना पड़ता है। लेकिन टर्मिनल टू पे मुझे कुछ इस तरह से नज़र नहीं आया, भीड़ हालांकि कम था, इस वजह से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या पर्सनली जाके उनको भी बोल सकते हैं, टैग वो भी निकाल के आपके लॉगेज पे लगा लेते हैं। वैसे भी बैग टैग निकालना काफ़ी ईजी है, आपको आपका QR कोड या PNR देके डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो टैग मशीन इस्तेमाल करके उस टैग को आपको आपके बैग पे लगाना होता है, वो भी काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद मैंने काउंटर के पास गया, वहाँ पे आपको आपका लॉगेज एंड हैंड बैग का वेट चेक करने के लिए कहा जाएगा, मुझे भी कहा गया। दोस्तों याद रखिए, फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स 15 kg मैक्स आप चेक इन लॉगेज ले सकते हैं, परमिट है, एंड हैंड बैगेज आप 7 kg तक मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लिमिट होता है तो आपको कुछ फाइन चार्ज किया जाएगा, जिसका आप रिसिप्ट ले सकते हैं। एक बार चेक इन हो जाए तो आपको आपका बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा, एंड बोर्डिंग पास लेके आप डिपार्चर गेट के पास जाए। मैं डिपार्चर गेट के पास गया, वहाँ पे स्कैन करके एंट्री मिल गया, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं था जो कि टर्मिनल वन पे होता है। एंट्री के बाद अंदर का नज़ारा और भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा कारीगरी एंड डिटेलिंग वर्क के साथ टर्मिनल टू बहुत ही सुंदर दिखता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद मुझे सिक्योरिटी चेक इन देखने को मिला, वहाँ पे आपको आपका बेल्ट, जैकेट, लैपटॉप, मोबाइल, वॉच इत्यादि निकाल के एक ट्रे पे रखना पड़ता है। उसके बाद खुद का चेक एंड आपका सामान चेक होने के बाद आपको एयरपोर्ट बोर्डिंग गेट के तरफ एक्सेस मिल जाता है। कुछ चीज़ें फ्लाइट के अंदर अलाउड नहीं होता तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप एयरपोर्ट साइट्स पे जाके देख सकते हैं कौन सा चीज़ आपको हैंड बैगेज पे अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म करने के बाद मैं अंदर के तरफ बढ़ने लगा, नज़ारा आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। इनसाइड बहुत सारे शॉप्स है, अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर कॉस्ट बहुत ही हाई रहता है, मैं पर्सनली फील नहीं करता कुछ परचेस करने के लिए। थोड़ा और अंदर जाते ही फाइनली मुझे जिसकी तलाश था वो नज़र आया, जो कि है एयरपोर्ट लाउंज। अगर आपको नहीं पता एयरपोर्ट लाउंज क्या होता है एंड कैसे एक्सेस किया जाता है फ्री पे, तो एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है पहले से ही, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। टर्मिनल टू एयरपोर्ट लाउंज पे बहुत सारे कार्ड्स का एक्सेस अवेलेबल फिलहाल नहीं है, जो कि टर्मिनल वन पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे कम्प्लीमेंटरी एक्सेस मिल गया, क्योंकि मेरे पास जितना भी कार्ड्स था उस पे कोई भी लाउंज का एक्सेस नहीं मिला मुझे टर्मिनल टू पे, जो कि मुझे टर्मिनल वन पे देखने को मिलता था। लाउंज एक्सेस के बाद मैंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाना, मुझे बहुत ही पसंद आया। टर्मिनल वन एयरपोर्ट लाउंज के कंपैरिजन में टर्मिनल टू लाउंज बहुत ही छोटा है। पूछने पे मुझे पता चला कि अभी के लिए ये टेम्पररी ओपन हुआ है, आगे जाके ये कहीं और मूव हो जाएगा, जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स मैंने एयरपोर्ट लाउंज के अंदर गुजारा, उसके बाद बाहर चलाया, उसके बाद थोड़ा सा शॉप्स एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट का आनंद लिया। विजुअल्स आपके सामने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आपके गेट के पास जाना रहता है, यूजुअली मैंने भी वही किया, मेरा फ्लाइट का असाइंड गेट के तरफ मुझे बढ़ना था, मैं बढ़ने लगा। गेट ढूंढना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स देखने को मिल जाएगा, तो किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से वो डिस्प्ले बोर्ड इस्तेमाल करके आपके गेट के तरफ जा सकते हैं। आपको डिपार्चर इन्फॉर्मेशन भी जगह जगह डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप आपके फ्लाइट के सारे इन्फॉर्मेशन एंड टाइमिंग्स देख सकते हैं।
बोर्डिंग गेट के पास आपको एयरपोर्ट ग्राउंड का नज़ारा काफ़ी क्लियरली देखने को मिल जाएगा। वहां से आप फ्लाइट लैंडिंग एंड टेक ऑफ आसानी से देख सकते हैं। एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइंस एंड शो के लिए ब्यूटीफुल कारीगरी देखने को मिल जाएगा, जो कि एयरपोर्ट का व्यू को और भी सुंदर बनाने में मदद करता है। मैंने नोटिस किया दोस्तों, टर्मिनल 2 न्यू एयरपोर्ट पे अभी बहुत सारे जगह पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। स्टिल कुछ वर्क्स चालू है एंड कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो ओपन हो जाए, जो कि मुझे ये वीडियो में दिखाने के लिए नहीं मिला। मैं इनसाइड विजिट नहीं कर पाया। सबसे बढ़िया दोस्तों, मुझे और भी एक जगह लगा, जो कि टर्मिनल 2 का वॉशरूम एंड टॉयलेट्स। काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी एंड काम आपको वॉशरूम पे भी देखने को मिल जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अब दोस्तों, 40 मिनट्स फ्लाइट टाइम से पहले मेरा बोर्डिंग गेट ओपन हो गया। वहाँ पे मुझे मेरा बोर्डिंग पास दिखा के एंट्री मिल गया टूवर्ड्स माई फ्लाइट। फ्लाइट पे डायरेक्टली गेट कनेक्टेड था, सो हमें वॉक करके फ्लाइट के अंदर जाना था। फ्लाइट डोर के पास आपको बोर्डिंग पास फिर से दिखा के एंट्री मिल जाएगा। एंड ऑन टाइम हमारा फ्लाइट टेक ऑफ भी कर गया फ्रॉम बैंगलोर न्यू टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। अप्रोक्स 2 आवर्स जर्नी के बाद हम भुवनेश्वर बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। भुवनेश्वर पे टेम्परेचर बैंगलोर के कंपैरिजन पे थोड़ा सा हाई था। फ्लाइट से उतरने के बाद एक बस वहाँ पे खड़ा होता है आपको पिक करने के लिए। उस बस के इस्तेमाल करके आप एयरपोर्ट गेट के पास पहुँच सकते हैं। हम भी वहाँ पे उस बस के इस्तेमाल करके गेट के पास पहुँच गए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे बैगेज चेयर नंबर 1 पे हमारा लॉगेज अवेलेबल था। लॉगेज कलेक्ट करने के बाद अराइवल गेट दे के हम बाहर निकल आए। तो ऐसा था मेरा बैंगलोर टू भुवनेश्वर का सफ़र। एंड आपको मेरे साथ सफ़र करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, ताकि इस तरह से न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुँच सके। हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स एंड बिजनेस ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ सफ़र करने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलूंगा और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल बिंग यूनिक टीवी।